ऑडियो कटिंग कैसे करें, हाउ टू ट्रिम ऑडियो। अगर आप एक वीडियो क्रिएटर हैं और वीडियोस में बनाते हैं, या फिर किसी गाने का रिंगटोन आप कट करके लगाना चाहते हैं, या कोई भी ऑडियो को आप जो है कट करना चाहते हैं, तो वीडियो आपके लिए है। शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। और इस चैनल में हमने जो है ऑडियो रिकॉर्डिंग रिलेटेड जो है बहुत सारी वीडियोज बना के रखी है, जो आपका हर वीडियो आपके काम में आएगा। तो नीचे इसका लिंक दिया हुआ है, उस प्लेलिस्ट का आप जाकर हर वीडियो देखिए। वो सब वीडियो देखने के बाद आपको कहीं और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैं अपने मोबाइल फ़ोन में आ चुका हूँ। अब आने के बाद आपको ये ऐप जो है डाउनलोड कर लेना है गूगल प्ले स्टोर से, जो कि फ्री है। तो इसको मैं खोलता हूँ, और खोलने के बाद देखो आपके पास इस तरह का ऑप्शन आएगा। आपको जो है अपना सॉन्ग जो है या कुछ भी ट्रिम करना है, तो देखो सबसे पहला ऑप्शन है ट्रिम ऑडियो। आप क्लिक करने के बाद क्या होगा देख लो, बहुत ही ईजी है। अब इसके बाद जो है कोई भी आपको जो है सॉन्ग ले लेना है या कुछ भी लेना है, तो मैं जो है ये ले ले रहा हूँ, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर जो है पहले अब सुन लो यहाँ प्ले करके। ऐसे मुझे सुन लेना है और देखना है कि गाना कहाँ पर है। मुझे ये ग्राफ को देखकर पता चलेगा कि यहाँ से शायद गाना होगा। देखो यहाँ से है, मैंने तेरे लिए यहाँ से बोला है, तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया। और जितना चाहिए, जितना मुझे सॉन्ग कट करना है, यहाँ पे देखो ड्रैग करके मैं उतना सॉन्ग मैं कट कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं बस डेमो के लिए आपको थोड़ा सा कट करके दिखा रहा हूँ। तो मान लो मुझे बस इतना कट करना है, यानी कि मुझे कोई भी ऑडियो है, गाना है, या कोई भी ऑडियो फाइल है, कुछ भी है, ऑडियो कटिंग कैसे करते हैं, ऑडियो ट्रिम कैसे करते हैं, देख लो ऐसे ही होता है, बहुत ही आसान तरीका है। और एक बार गाना सेलेक्ट करने के बाद आपको जो है नीचे ट्रिम है, ट्रिम में आपको क्लिक करना है। तो जैसे ट्रिम में क्लिक करोगे, देखो हमने जो कटिंग किया था, जो ऑडियो जो कट किया था ट्रिम के, तो वही आ गया। एक बार प्ले करके सुना देता हूँ। जैसे कि आपने देखा वही ऑडियो। अब इसको सेव कैसे करना है, देखो यहाँ पे साइड में सेव वाला ऑप्शन है, सेव में क्लिक कर दोगे और यहाँ पे जो है क्रिएट में क्लिक कर दोगे, ये आपका सेव हो गया है। अब इसको देखना कैसे है, खोजना कैसे है, बहुत ही आसान है, देख लो मैं आपको बता रहा हूँ। इसको मैं बैक करता हूँ, ठीक है, बैक कर देता हूँ। और ये आपका फाइल आपका कहाँ सेव हुआ है ये खोजने के लिए इसी ऐप में जाना है, और ऐप में जाके स्क्रॉल करके नीचे में जाना है और आउटपुट में क्लिक करना है। जैसे आउटपुट में क्लिक करोगे, तो आपने जो भी ऑडियो जो ट्रिम किया रहेगा, जो भी आपका सेव फाइल रहेगा, वो आपको यहाँ पर आ जाएगा। और अगर आपको गैलरी में बाई चांस नहीं मिलता तो यहाँ से भी आपको आराम से मिल जाएगा। दोस्तों अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम ऐसे ही मज़ेदार वीडियो बनाते रहते हैं।